आपकी तालियां बजती जानी चाहिए। ये हमारी एनुअल एथलेटिक्स मीट है, तो इसमें हमारे सारी ड्यूटी की 16 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये हमारी एथलेटिक्स जो रहता है, इसमें तीन प्रकार के हमारे इवेंट्स हैं, रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग। तो इन्हीं इवेंट्स में ये हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पे, और जो बच्चा अपना बेस्ट करेगा वो उसकी सिलेक्शन जहाँ के हमारी ड्यूटी के लिए होगी। तो अगर नेशनल के लिए हमारी टीम जाती है तो ये हमारी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाकी मैं आपके लिए बताऊं कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हो, कोविड की वजह से भी ये हमारे डिपार्टमेंट ने, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने बच्चों को बाहर निकाला। तो जिस सितंबर से ही हमारी एक्टिविटी चल रही है, तो इससे हमारा, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा योगदान जो हमारे डिपार्टमेंट, हमारे कमिश्नर साहब हैं, साधन साहब जी हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सलीम साहब हैं, तो उन्होंने बड़ा एफर्ट्स किया। और सितंबर से ही हम बच्चों को अलग अलग गेम्स, जिनमें जो हमारी मेजर गेम्स हैं जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, मार्शल आर्ट की, उसमें पार्टिसिपेट करते आ रहे थे। तो उसके बाद ये हमारी एथलेटिक्स की मीट हमारी चल रही है, तो इसकी वजह से बच्चे अंदर पैक हुए थे। तो हमारे डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम बच्चों को बाहर निकालें ताकि बच्चों को थोड़ा सा बाहर देखें। तो बाकी मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा कि कोविड से बचने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर निकालें, खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, और बाकी लोग भी हम एक्सरसाइज करें ताकि हम कोविड से भी बच सकें। Fatima।